नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज सबसे पहले चर्चा नेटो का जो समिट चल रहा है उस पर उसमें यूक्रेन का मुद्दा छाया रहा सारे देश बोलते रहे कि हम इतने हथियार देंगे हम इतने हथियार देंगे लेकिन जो यूक्रेन को चाहिए था जिसके लिए जेलेंसकी वहां पहुंचे थे नेटो की सदस्यता वो आखिर क्यों नहीं मिली क्या राज है इसका इस पे चर्चा करेंगे और दूसरा अहम मुद्दा भी यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है आखिर क्या वजह है अमरीका क्यों क्लस्टर गोला बारूद देना चाहता है यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वो क्लस्टर बम वो क्लस्टर गोला बारूद जिससे दुनिया आतंकित रहती है जिससे पीढ़ियां प्रभावित होती हैं क्यों अमेरिका उतर रहा है क्लस्टर एमुनेशन देने पर इस पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर पुरकास के साथ प्रवीण नेटो का एक बहुत अहम समिट हो रहा है बहुत अहम सम्मेलन है 31 देश वहाँ पर मौजूद हैं और आ, उसको लेकर जो हंगामा है क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं एक सबसे बड़ी चीज़ पर मैं चाहूँगी कि आप आ, प्रकाश डालें दर्शक भी देखें कि वो कहाँ हो रहा है लिथुएनिया में हो रहा है यहाँ पर पूरे समिट में एक ऐसा देश केंद्र में है जो अभी उसका सदस्य ही नहीं है यानी यूक्रेन और यूक्रेन के जेलेंसकी वहां पहुंचते भी हैं और बार बार बोलते हैं कि उनको बहुत दुख है और उस समय ट्वीट करते हैं जिस समय बहुत अहम भोज चल रहा है तो ये जो नेटो समिट है इसकी अहमियत क्या है तो आपने जो कहा सही है कि एक अहम समिट है इसीलिए कि इसकी पटभूमि जो है बैकड्रॉप जो है वो यह है कि रूस और नेटो के बीच में जंग चल रहा है होता रहा यूक्रेन की जमीन पे पर हकीकत जो है ये नेटो और रूस के बीच में है क्यों हम इस चीज़ को कह रहे हैं क्योंकि जितना गोली बारूद जो मिल रहा है हथियार जो मिल रहा है टैंक्स जो दी जा रही है अब एफ सिक्सटीन की भी घोषणा हो रही है कि दी जाएगी सब नेटो देशों से आ रहा है बिना नेटो देशों नेटो ने, के देशों की सहारे यूक्रेन इस लड़ाई को चला नहीं पाता बहुत पहले ही एक ये लड़ाई ख़त्म हो गई होती तो ये देखते हुए जो हमें सोचना पड़ेगा कि जेलेंस्की की जो मांग है हम यूक्रेन हैं हम लड़ाई कर रहे हैं हम हमको आप कह रहे हो कि हथियार दोगे रूस के साथ लड़ाई करने के लिए पर नेटो की सदस्यता क्यों नहीं दे हो जो कि आपको 2008 में आपने हमें प्रॉमिस किया संक्षेप में बताइए कि वाकई क्यों नहीं दे रहे क्योंकि सारा कुछ तो नेटो कर रहा है और पहला दिन पूरा का पूरा यूक्रेन युद्ध के नाम पर गया कि हम इतना हथियार देंगे जी हम इतना हथियार देंगे तो नेटो का सदस्य बनाने में क्या मुश्किल है यूक्रेन को सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है सबके लिए कि अगर नेटो के सदस्यता दी जाती है अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य होता है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन का जंग ऑफिशियली रूस और नेटो के बीच में होगा क्योंकि नेटो में क्लॉज है किसी एक देश का के ऊपर हमला अगर होता है तो सब नेटो के देश उसमें शिरकत करेंगे शरीक होंगे यानी फिर तो, दो न्यूक्लियर पावर्स? दो न्यूक्लियर पावर नहीं तीन न्यूक्लियर तीन न्यूक्लियर पावर तो नेटो में है फ्रांस है ब्रिटानिया है अमेरिका है जी। और रूस दूसरा पक्ष तो तीन एक तरफ एक तरफ एक तो चार न्यूक्लियर पावर के बीच पे अगर युद्ध होता है ऑफिशियली तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना काफ़ी नज़दीक हो जाता है तो ये जो चीज़ है सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए नहीं है वो चार पांच न्यूक्लियर बॉम्ब अगर यूरोप में गिरता है तो यूरोप विध्वस्त हो जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा ठीक है ना पूरा ख़त्म तो नहीं होगा काफ़ी विध्वस्त हो जाएगा पर यह खतरा जो है यूरोप के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि एक दो चार न्यूक्लियर बम अगर गिर जाए तो हमारा क्या होगा तो इसीलिए अमेरिका के अमेरिका से ज़्यादा यूरोप का ये समझ है कि डेटों में यूक्रेन को न लाया इतना बड़ा जोखिम तो जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो तो सब कुछ कर रहे हैं उसकी हम इकोनमी हम चला रहे हैं उसकी बजट हम भर रहे हैं जितना हथियार चाहिए हमारे पास जितना है वो दे रहे हैं और क्या करेंगे जी। तो अब जो उनके लिए प्रॉब्लम है चाहे यूरोप के लिए हो यूरोप के देशों के लिए हो या अमेरिका के हो उनके पास रसद गोला बारूद जो भी हथियार है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है उनके स्टॉक अगर और भी दे देंगे तो उनके और कहीं लड़ने की क्षमता नहीं होगा तो ये खतरा देख के इस वक्त अमेरिका से लेकर सबका यही चिंता है युद्ध कितना दिन चलेगा कितना दिन आगे इसको बढ़ाना है या नहीं इसी नेटो समिट में एक और दिलचस्प चीज हो रही है ये स्वीडन हमारे दर्शक देख सकते हैं स्वीडन अभी नेटो का आ, हिस्सा नहीं है बनना चाहता है लेकिन उसमें अड़ंगा तुर्की ने लगा रखा है और तुर्की ने एक बहुत दिलचस्प शर्त रखी हुई है कि हम तुम्हें तभी जाने देंगे जब तुम्हें तुम हमें यूरोपियन यूनियन में जाने दोगे तो ये जो मसला है ये अपने आप में बहुत विश्व कूटनीति में दिलचस्प मोड़ लिए हुए है इसका देखिए दो तीन पहलू है आज शायद पूरा चर्चा इस पर नहीं कर पाएंगे तुर्की के एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्यों? कि ये जो है ब्लैक सी का दरवाजा है ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक सी है इसका दरवाज़ा तुर्की कंट्रोल करता है तो इसीलिए इसकी स्ट्रेटिजिक जो इम्पोर्टेंस है उसकी साइज या इकोनमी से काफ़ी ज़्यादा है वो नेटो का हिस्सा है इसीलिए वो स्वीडन को रोक पा रहा है कह सकता है स्वीडन हमारे स्वीकृति के बिना क्योंकि नेटो में जो उनकी ट्रीटी में है कि सबकी सहमति चाहिए किसी को मेंबर बनाने में तो तुर्की आज तो उसकी काफ़ी टेंशन रहता है अमेरिका से उसका हवा जहाज़ उनसे ख़रीदना ये करना वो ख़रीदना ये सब चीज़ों में उसकी काफ़ी टेंशन है अमेरिका के साथ वो तुर्की दूसरी की। है तुर्की की वो दूसरे दिन बात करेंगे पर यह जो है उनके पास वेटो पावर है कि अगर स्वीडन है पहले फिनलैंड के साथ भी हुआ था अगर स्वीडन को ज्वाइन करना है नेटो में हमारी परमिशन चाहिए तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि पीके के के जो लोग हैं स्वीडन में वो जो कार काम कर रहे हैं उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो तो स्वीडन कुछ काम करने के लिए कार्रवाई करने के लिए भी स्वीकार भी स्वीकार भी कर लिया है पर अब जो नया शर्त लगाया है कि हम पचास साल से यूरोपियन यूनियन के दरवाजे में खड़े हैं दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और खोल तो कोई रहा नहीं है तो हम आपको जाने देंगे जब यूरोपियन यूनियन आप भी करो यूरोपियन यूनियन हमें अपना सदस्य बनाने के लिए तैयार हो तो कि ये एक बहुत मजेदार बात है कि आप नेटो के सदस्य हो सकते हैं और आप ये जो नक्शा है ये जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दो गोलों से ये यूरोपियन यूनियन है और ये नेटो है तो अगर आप देखिए कि जो कॉमन सदस्य हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है यूरोपियन यूनियन में सत्ताईस सदस्य हैं और इसमें इकतीस सदस्य हैं नैटो में बचा खाली ऑस्ट्रिया और बड़ा देश स्वीडन तो यूरोपियन यूनियन को क्या दिक्कत है तुर्की से तुर्की को क्यों प्रवेश नहीं करा दे रहे हैं? खास तो सब ये प्रॉब्लम है तुर्की के साथ कि धर्मीय रूप से मुसलमान देश है और जो भी कहे अभी भी यूरोप अमेरिका इन जगहों पे जो क्या कहेंगे वाइट नेशनलिज्म के साथ साथ यह भी है कि मुसलमान हिंदू ये जो है ये हम नहीं हमारे जैसे नहीं है तो इनको अलग रखना चाहिए तो देखिए अफ्रीका एशिया जी लैटिन अमेरिका का कुछ बीच बिचाव का रास्ता है क्योंकि वो क्रिश्चियन है वो काफ़ी स्पेन और पोर्टुगीज वहाँ पर गए हैं तो उसका इस तरह से इन्फ्लुंस रंग रंग भेद नहीं है यहाँ रंग भेद भी है और उसके साथ साथ धर्म की क्रिश्चियन वर्सेस क्या कहेंगे जो क्रिश्चियंस नहीं है उनके प्रति जो दृष्टिकोण रहा है मत भूलिएगा कलोनियल एम्पायर्स इसी आधार पर बना था नॉन क्रिश्चियन मुल्क जो है उसको अधीन करना उसको करने की पूरी आज़ादी थी चर्च ने दी थी हाँ. तो वो अभी भी यूरोप के अंदर ये चीज़ अभी भी है कि तर्की हम जैसा नहीं है देखने में अगर आप जाएंगे तुर्क, तुर्की की अंकारा की कैपिटल में जाएंगे या तो आप इस्तानबुल जाएंगे तो एक यूरोपीय शहर नज़र आता है वर यूरोप उसको अभी भी यूरोप मानने से इनकार करते तो नेटो में तो हो सकते हैं आप लेकिन यूरोपियन यूनियन में नहीं हो इसीलिए साल साल से से जो कह रहे रहे हैं हैं गलत नहीं नहीं है पचास साल से दस, है दर, दरवाजा खटखटा पर अंदर आने की इजाजत अभी तक नहीं मिली है। जी नेटो समिट के संदर्भ में हमने बात की कि यूक्रेन युद्ध छाया रहा वहां पर यूक्रेन युद्ध को लेकर एक जो खतरनाक खबर है कि अमेरिका ने कहा है कि वो क्लस्टर बम्स वहां पर देगा क्लस्टर एमुनेशन यानी गोला बारूद देगा और इसे लेकर दुनिया में एक बड़े पैमाने पर आशंका है क्योंकि क्लस्टर बम को हम देख चुके हैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्लस्टर बम है क्या जिसके खिलाफ तकरीबन सौ देश कह चुके हैं कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए देखिए क्लस्टर एमुनेशन जो है खास तौर से इसका ये मकसद है कि आप कहीं भी आप दागेंगे तो उसका इमीडिएटली वो विस्फोट नहीं करता तो वो टुकड़े बॉम्बलेट्स होते हैं उसमें जो काफी बड़े जगह पे फैल जाते हैं वहाँ पड़ा रहते हैं और कोई चलता है तो उसका पैर उसके ऊपर आ जाता है तो उसको विस्फोट होने की संभावना होती है तो इस्तेमाल किया किया गया था बड़े पैमाने पे, जिसको होचिबिन ट्रेल कहते हैं नॉर्थ वियतनाम से जो सामान आता था लॉस और कम्बोडिया होते हुए साउथ वियतनाम में जाना उस उन जगहों पे बड़े पैमाने पे क्लस्टर एमुनेशन दागे गए थे मिलियंस ऑफ शेल्स अमेरिका तो, अमेरिका ने छापे डाले थे करीब 1960 और 1970 के दशक में और इस मिलियंस ऑफ शेल्स एक दो नहीं तो अगर आप देखते हैं तो ये अभी भी बड़े पैमाने पे जो किसान है वहाँ पर जो ज़मीन पे काम करते उसका पैर उड़ता है ये तो वो मर जाता है इस अभी भी उस क्लस्टर एमेशन के वजह से क्योंकि तीस चालीस साल भी बाद भी उसका फटने का आशंका रहता है तो दूसरी बात जो क्लस्टर बॉम्ब्स के साथ है कि आपने कहा सौ के ऊपर देशों ने मना इनकार कर दिया है इसके इस्तेमाल करने दुख की बात यह है कि उसमें अमेरिका नहीं है रूस नहीं है चीन नहीं है भारतवर्ष भारत नहीं, नहीं, नहीं है तो बड़े जो देश है जिनके पास बड़ा लड़ाई लड़ने की क्षमता है पाकिस्तान में भी नहीं साइन किया तो जितने बड़े देश है जिनकी लड़ाई करने की संभावना है उन्होंने क्लस्टर रेमेशन पर भी दस्खत नहीं किया हालांकि बहुतों ने कहा है कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अमेरिका ने यही कहा था कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे पर हम ट्रीटी नहीं साइन करेंगे इसके साथ साथ वियतनाम के आपने जो जिक्र किया इसके साथ साथ इराक वॉर में इसका इस्तेमाल हुआ है बड़े पैमाने हुआ है लीबिया में इस पर इस्तेमाल हुआ है तो अमरीकी जो सेनाएं हैं इसका इस्तेमाल जंग में लगातार कर चुके हैं और अभी जो उन्होंने घोषणा की है बाइडेन ने क्लस्टर बॉम्ब देने की अभी क्यों घोषणा की है क्योंकि बहुत बड़ा सवाल यही है और जिस तरह से खबरें आ रही थी कि रूस ने इस पर बड़ी गंभीर आपत्ति जताई है उनके अंदरूनी कानून भी है कि क्लस्टर बम आप किस हालात में इस्तेमाल कर सकते हो किसी और देश को क्या दे सकते हो तो ऐसा नहीं है कि ये इतना आसान है उनके लिए आसान था तो वजह क्या है कि इन्होंने क्लस्टर बम यूक्रेन देने के लिए तय किया तो इसका मेजर वजह यही है कि उनके पास इस वक्त 155 मिलीमीटर mm आर्टिलरी की जो शेल्स होते हैं वो शेल्स पे कमी है इतने शेल्स उनके पास उनके स्टॉक में नहीं है मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है यूक्रेन को देने के लिए शेल्स और हथियार में मैं फर्क कर रहा हूँ तो आर्टिलरी गन्स आपके पास है शेल्स जो है जो बारूद है जो जिसके जरिए आप कुछ गोलाबारी करते हैं तो अस्त्र तो है मिलीमीटर मिलीमीटर आर्टिलरी गन्स तो आप यूक्रेन को दे रहे हैं पर उसपे शेल्स जो होता है जो उसका फायर करने के लिए वो आर्टिलरी इस्तेमाल की जाती है शेल्स की इस वक्त कमी है बाइडेन ने खुद कहा कि हमारे पास और ऑल्टरनेटिव नहीं है कि उनके पास हमारे खुद का स्टॉक तब कम हो जाएगा हकीकत तो है उनकी खुद की स्टॉक ऑलरेडी कम, हो, कम चुका हो चुका है और इसीलिए और न कम करने के लिए कहते क्लस्टर एमुनेशन के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है यही आम पब्लिकली यह चीज़ वो कह रहे हैं इसका मतलब इसका दो मतलब है कि एक तो है कि यूक्रेन युद्ध को चलाने के लिए उनके ऐसे चीज़ें करना पड़ रहा है कि जो उन्होंने मौखिक तौर पे कहा था हम नहीं करेंगे एक तो ये चीज़ है दूसरी चीज़ है कि जंग में धीरे धीरे नेटो की जो स्टॉक्स है जंग लड़ने की वो धीरे धीरे कम कम होता जा रहा है और उनकी अंदरूनी ये शक्ति नहीं है कि उसको जल्दी रिप्लेनिश कर पाए पूर्ति कर पाए और सबसे बड़ी बात जो है कि इन्होंने पिछले तीस साल से लड़ाई एक पियर कंट्री जो हमारे बराबर के टक्कर के है ऐसे सोचा था। नहीं था तो उनका लड़ाई था इराक़ के ख़िलाफ़ अफ़ग़ानिस्तान में लीबिया में छोटे छोटे देशों के मार के आना आसान होता है अब ऐसी लड़ाई में वो फंस चुके हैं जिसमें उन्होंने अपना क्या कहेंगे अपना जो विवेक है उसको भी छोड़ के लेने के, के लिए देने के लिए तैयार है उनके पास अगर इस लड़ाई को चलाना है तो चारा नहीं है नजर आ रहा है या। आ, तो एक बात तो साफ है कि आ, आने वाले दिन में यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भीषण और, और ज्यादा मारक और इसकी मार कई दशकों तक आ, वहां की जनता को झेलनी पड़ेगी जो हम सबके लिए बहुत खतरनाक आ, है हाँ पर एक बात यह है कि बैक चैनल शायद बातचीत शुरू हुई है उनकी फ़ॉरेन रिलेशंस की एक बहुत सीनियर एक्स ऑफिशियल वो जाके मिले हैं पुतिन से पुतिन से लेब्रॉप से मिले हैं तो लगता है कुछ बैक चैनल बातचीत शुरू हुई है क्योंकि अब नेटो देशों की ये धीरे धीरे राय बन रही है कि रूस के साथ इस लड़ाई को कितने दिन चलाएंगे और अगर चलाएंगे तो हमारी जो अंदरूनी स्थिति है उसका क्या हालत होगा ये देखते हुए मुझे लगता है धीरे धीरे बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हुई है पर उसका एक बाहर आने में एक कुछ एग्रीमेंट होने में इतना अभी समय लगेगा? चार पाँच महीना लगेगा ज़रूर पर अभी जंग का जो पहलू था कि ऑफेंसिव करना चाहता तो यूक्रेन वो लगता है इस वक्त धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि उस तरह के उसके पास गोला बारूद नहीं है और हथियार नहीं है इस लड़ाई को उस इंटेंसिटी से चलाना तो एक फ्रोज़न वॉर के तरफ जा रहा है क्या जिसके ज़रिए कुछ जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में एक लाइन है लकीर है युद्ध विराम है पर घोषणा घोषणा नहीं है उसकी पर कोई पीस एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं, नहीं, नहीं है क्या उस तरह की स्थिति में जाएगा कुछ शांति बातचीत होगी देखने की बात है जी। अभी भी इट्स टू अर्ली टू से चलिए हम नजर बनाए रखेंगे शुक्रिया एक बात बहुत साफ है कि युद्ध एक बार जब शुरू हो जाता है तो उसके खात्मे के आसार बहुत मुश्किल होते हैं यूक्रेन युद्ध की कहानी यही है हथियार नहीं है नाटो देशों के पास अमेरिका के पास लेकिन तब भी इसी तरह से युद्ध की आग में झोंकने के लिए वह क्लस्टर बमों को उतार रहा है जो हमारे आपके लिए और सबके लिए नुकसानदेह हो सकता है ऐसे में शांति की राह निकलेगी तो कैसे निकलेगी यह सबसे बड़ा सवाल है शुक्रिया